Okay, the derivative of y with respect to y is 1, and the derivative of xy square, x is constant, the derivative of y square is 2y. So we get 1 plus 2xy. And the derivative of n with respect to x is 1 ka derivative, x ka derivative with respect to x is 1, and minus x square ka derivative 2x, y is constant. So we get minus of 2xy. And we see these two derivatives are not equal. Okay, because del m upon del y is not equal to del n upon del x. क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस साइन था या माइनस साइन हो गया, टर्म्स बिल्कुल सेम आ रही, बस साइन का डिफरेंस हो गया, इसलिए दोनों अनइक्वल हो गए. इफ दीज टू आर अनइक्वल देन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट. सो व्हाट वी कंक्लूड, इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले हम जब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो हम पहले रूल को डिस्कस करेंगे, क्या इक्वेशन फर्स्ट रूल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही. तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले ही चेक कर लो एम और एन अगर होमोजीनियस है या नहीं है. अगर होमोजीनियस नहीं है तो रूल 1 वैसे ही ऑपरेट नहीं होगा. तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, m क्या है, y plus xy square. फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है 1, जबकि सेकंड टर्म की डिग्री कितनी है x की 1 और y की 2. मींस टोटल डिग्री ऑफ सेकंड टर्म इज 3, बट द डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1. और होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन अ फंक्शन आर सेम, देन दैट इज होमोजीनियस. लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यानी m कैसा है, होमोजीनियस नहीं है, और साथ ही साथ n भी होमोजीनियस नहीं है. जब दोनों ही होमोजीनियस नहीं है, इट मींस फर्स्ट रूल तो अपना यहाँ पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि m और n होमोजीनियस होना चाहिए. और यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि m और n होमोजीनियस नहीं है, इसलिए हम अब सेकंड रूल की डिस्कस करेंगे. क्या सेकंड रूल यहां पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपन यहां से देखें. द सेकंड रूल सेज इफ द गिवन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, क्या आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या कन्वर्ट हो सकती है, तो दोनों सिचुएशन भी होती है. कई बार क्या है, ये y इस टर्म पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो कॉमन निकलने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना. So now, what we see here, if we compare the equation 1 with this, तो यहाँ पे देखो, y multiple किसका है, dx का है. तो यहाँ आपको दिख रहा है ये y multiply में किसके है, dx के. और remaining function आपका जो है 1 plus xy, तो x और y के multiple वाली terms type का function है, जो यहाँ पे वो चाहता है कि dx का multiple y हो और एक function और हो जो x और y के multiple की form. वो भी आपका यहाँ पे थी. Then we go to second term, जो dy का मल्टीपल है वो x चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखें dy का मल्टीपल यहाँ x होना चाहिए जो यहाँ है, और जो उसके साथ रिमेनिंग फंक्शन है, that is the function of x into y. This is the function of x into y. यहाँ पे आ रहा है ना x into y, और one means x की डिग्री भी जीरो, y की डिग्री भी जीरो आप सपोज कर सकते हो, यानी x और y के मल्टीपल वाली टर्म्स आपको यहाँ मिल गई है. यानी हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो इस फॉर्म में है. अगर इस फॉर्म में है तो फिर मेरे को दूसरी टेस्टिंग क्या कहता है कि mx minus ny 0 ना हो, तो अपन ये भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे अपन यहाँ लिख देंगे बट इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वी सी दैट given equation is in the form of किस फॉर्म में है,
y into f1 xy da plus x into f2 xy dy की फॉर्म में है. एंड सेकेंडली दूसरा हम क्या ऑब्जर्व करना है कि m into x minus n into y, क्या ये आपका नॉट इक्वल जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी अपन देखें कि mx minus ny सॉल्व किया अपन ने, m into x minus n into y is equal to, देखिए क्या आता है, m जो भी था एक बार उसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो y into x हो जाएगा आपका xy plus x square y square. ये जो भी m था इसको एक x से मल्टीप्लाई किया, जो n था उसको y से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस किया, ठीक है, तो माइनस में x into y minus x square y square, राइट. अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस सॉल्व करके देख लिया क्या जीरो आता है या नॉन जीरो आता है, ठीक है, तो यहां से देखें जब ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो रिजल्टेंट बचा 2x स्क्वायर y स्क्वायर. इट मींस mx minus ny is not equal to 0. Not equal to 0 है means अपन कह सकते हैं कि हम यहाँ पे integrating factor, therefore the integrating factor is 1 upon mx minus of ny. यानी हम ये integrating factor choose कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी given equation second rule के लिए जो दो basic condition है, पहला तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, दूसरा mx minus ny not equal to 0, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon mx minus ny चूज कर सकते हैं. और mx minus ny अपन ने क्या सवाल किया, दिस इज 2x square y square, राइट. इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आपको मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है. जब अपन इस इक्वेशन को 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारी नई इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है. यहां पे आ जाए, फर्स्ट टर्म अपनी क्या थी, y plus xy square, यही थी आपकी टर्म m, ये भी आपका उससे डिवाइड हो रहा है, तो y के अपॉन में क्या आया, 2x square y square आएगा, ठीक है, तो y की एक डिग्री कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, 1 upon 2x square into y, ठीक है. फिर यहां पे xy square था और डिनोमिनेटर में आपका क्या जा रहा है, 2x square y square, तो x की एक डिग्री कैंसिल हो जाएगी, y square पूरा कैंसिल, तो दिस इज 1 upon 2x, ये पूरा आपका क्या बन गया, नया m, और m का मल्टीपल क्या था, dx, तो ये हो गया into dx plus. अब सेकेंडली जो भी आपका n था उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कीजिए और उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका, dy. तो यहां पे देखें x डिवाइड हुआ किससे, 2x square y square से, x की एक डिग्री कम हो जाएगी, तो यहां से आपका बच गया 1 upon 2xy square, then minus x square cancel, y की एक डिग्री कम हो जाएगी, minus 1 upon 2y whole multiply में dy is equals to 0, ठीक है. और चाहे तो देखे सभी जगह से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन लेके 0 में शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपकी इक्वेशन से ये 2 भी हट जाएगा, यानी 1 upon x square y plus 1 upon a फिर plus a 1 upon xy square minus में 1 upon y dy is equals to 0, say this is the equation number 7, क्लियर है यहां तक, ठीक है. Right?
अब जब अपन ने इक्वेशन रिड्यूस भी करके देख लिया, अब रिड्यूस करने के बाद वापस से अपन चेक करेंगे कि जो नई इक्वेशन आपने बनाई है वो आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुई या नहीं। अगर एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फार्मूला यूज करके। ओके, तो नाउ अगेन वी कंपेयर द इक्वेशन नंबर सेकेंड विद जनरल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे अपने एम और एन दोनों चेंज हो जाएंगे और उनके डेरिवेटिव्स भी चेंज होके आएंगे। तो अब नई इक्वेशन में एम कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब अपन इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो देखे क्या सोल्यूशन आता है। ठीक, देखे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन वाई डिफरेंशिएट हुआ तो क्या देगा, माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर। यहां से रिजल्टेंट क्या बचा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया 0, देन एन की वैल्यू दिस इज 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन y, ठीक है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a, तो यहां 1 अपॉन y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर डिफरेंशिएट, x डिफरेंशिएट हुआ तो दिस अगेन गिव अस 1 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, और 1 अपॉन y का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब अपन ने जब यहां कंपैरिजन किया दोनों का तो दोनों में क्या आ गई, इक्वलिटी आ गई, यानी del m by del y इक्वल हो गया del m by del x के। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर एग्जैक्ट बन गई है तो अब हम इसको फार्मूले से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। सो द इक्वेशन सेकंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन by using formula integral y is constant m dx plus n free from x dy is equals to constant c। तो यहां पे हम नया m हमारे पास में क्या था, that is 1 upon x square y प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका नया जो इक्वेशन 2 बनी थी उसमें m की वैल्यू थी, देन n की वैल्यू 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y, बट द फर्स्ट टर्म इज कंटेनिंग वेरिएबल x, तो हम इसको क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस के 1 अपॉन y, यहां से क्या जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन x स्क्वायर y में 1 अपॉन y कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किसका होना है 1 अपॉन x स्क्वायर का, मींस x की पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट किया तो क्या जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट इज x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल आ गया माइनस 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रल हुआ log ऑफ x, 1 अपॉन y का इंटीग्रल हो गया log ऑफ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। यहां पे आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए log m अपॉन n की, देन वी गेट log x अपॉन y log माइनस ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू c, सो दिस इज द सॉल्यूशन। Okay, this is the problem based on the second rule. किसी को कोई confusion हो तो पूछ सकते हैं, clear? देखिए क्योंकि rules बहुत ज्यादा है इसलिए possible नहीं है कि हर rule पे बेस में आपको चार चार problem solve कराऊं। सिर्फ मैंने आपको exact के इसलिए ज्यादा से ज्यादा question करा दिए कि आपको सबसे पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए।